हेलो एवरीवन वेलकम टू माय वीडियो ए ईस ड्रामे का एपिसोड नंबर ट्वेंटी एक्सप्लेनेशन का इसके बाद आठ एपिसोड है जो दूसरे चैनल पे मैं डालने वाली हूँ मैं उसका लिंक आप लोगों के लिए डाल दूंगी हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था सब कुछ सही हो ही रहा था कि ब्यूटी से गलती से कुछ मिस्टेक हो गया ग्रेस जो बहुत बड़ी फैशन के आंसती थी उनको गी, उसने गिरा दिया लेकिन एज ए नॉडियस हमें पता है उसकी मॉम की मिस्टेक की वजह से था लेकिन आप सब लोग ब्यूटी को ही तार रहे थे ब्यूटी को ही सुना रहे होते तो टी बहुत गुस्से में था वो ग्रेस से जाके माफ़ी मांगने के लिए बोले जा रहा था ब्यूटी को लेकिन ब्यूटी भी मना कर देती है क्योंकि उसने जानबूझ के किया नहीं ना ही वो वो चाहती थी ऐसा कुछ जो हमें अब दिखाया जाता है स्टार्टिंग वाले एपिसोड में टी वो ही बोले जा रहा था उसके घर पर जाता है और वो घंटे ब्यूटी को बोलता है कि तुम्हें किसी भी कीमत में जाके ग्रेस से माफी मांगनी है ब्यूटी पहले तो मना करती है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है तो क्यों माफ़ी मांगेगी जो भी हुआ है वो एक्सीडेंट है और उसे पता है ग्रेस कितनी बड़ी रूड है लेकिन बाद में टी बोलता है कि ठीक है अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी ना तो ऐसा भी हो सकता है कि वो जेट की कंपनी वो कॉन्ट्रैक्ट ले ले अगर ग्रेस ने हमें ब्लैक लिस्ट कर दिया तो हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होने वाला है और अब तुम सोचो जो कंपनी तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत से बनाई उसको इस तरह से तबाह होने दोगी ऐसा वो बोलता है और उसके बाद वो ये भी बोल देता है कि अगर तुम ग्रेस से जाके माफ़ी वही मांगोगी तो अब भूल जाओ तुम कंपनी की प्रेसिडेंट नहीं बनने वाली हो और मेरे सपोर्ट के बगैर तो बन ही नहीं सकती ऐसा वो बोल देता है मैं समझने के बाद यूज बोलती कि फ़ाइन अगर तुम चाहते हो भले ही मेरी गलती ना हो लेकिन मैं माफ़ी मांगूंगी लेकिन अभी मैं उस मूड में नहीं हूँ ऐसा वो बोलती है और उसके बाद वो गुस्से में रूम की तरफ चली जाती है ब्यूटी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और बहुत परेशान भी थी तभी हमें दिखाया जाता है सोमसन की मोम आती है और उसके बाद वो उसे समझाने लग जाती है और ब्यूटी को तो पता ही है ना मतलब वो सब बड़ों की रिस्पेक्ट बहुत करती है और स्पेशली सोमसिंग की मोम को तो अपनी मोम की तरह मानती है तो वो आंटी जिस तरह से उसे समझाती है ना उसके बाद वो सोचती है ठीक है और जो सोमसिंग की मोम थी वो ये बोलती है कि हम कभी कभी ना बड़ों के सामने झुकेंगे और अपनी गलती मानेंगे या फिर उनके सामने ऐसे ऑनेस्ट रहेंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई गलत समझे आप ये प्रूव करो कि आप कितने अच्छे हो और बस नाम से नहीं आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हो ये आप प्रूव करो ऐसा हो बोल देती है जिस बात की वजह से ब्यूटी बोलती है कि ठीक है आप मुझे अच्छे से गाइड करो मुझे अच्छा लगा और मैं अब कल जाके उनसे माफ़ी मांग लूँगी ऐसा हो बोल देती है हमें दिखाया जाता है ब्यूटी को टी वो वीडियो देख रहा था और वहाँ वो देखता है कि ब्यूटी सच्ची में पहले गिरी थी उसके बाद वो चीज़ जाके ग्रेस पे गिरा था तो वो ओपन ड्राइव में शिफ्ट कर देता है आमी दिखाया जाता है उसके बाद नेक्स्ट वाले सीन में ब्यूटी मॉर्निंग को जाती है ग्रेस के ग्रेस जहाँ पर रह रही थी जिस होटल में वहाँ पर और वो ग्रेस से मिलने की ट्राई कर रही थी लेकिन कोई उसे मिलने दे ही नहीं रहा था ब्यूटी बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट करती है मतलब वो कंटिन्यूसली ग्रेस को बुलाई जा रही थी बुलाई जा रही थी और वो बोल रही थी कि जब तक मुझे माफ़ी नहीं मिलेगा मैं ऐसे नहीं जाने वाली भले मेरी गलती ना हो हाँ ठीक है मेरी गलती है लेकिन ऐसा हो ना बस चाहती थी कि ग्रेस उसे माफ़ कर दे ताकि जो उसके कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली थी वो ना हो और ब्यूटी को लोग मिलने नहीं दे रहे थे ब्यूटी बहुत परेशान थी और वो वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी होटल वाले तो बोल रहे थे कि हम पुलिस को बुलाएंगे आप यहाँ पर किसी की प्राइवेसी को ऐसे इन्वेट कर रहे हो ऐसा बोल के तभी ग्रेस बाहर आती है और उसके बाद ग्रेस बोलती कि तुम यहाँ से जाओ मुझे तुम्हारी कोई शक्ल भी नहीं देखने में इतनी अच्छी मूड में नहीं हो आज मुझे तुमसे बात करने का मूड ही नहीं है ग्रे यहाँ पर ब्यूटी बोलती कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ आप कुछ जो भी बोलूँगी मैं मतलब आप आप चाहती चाहती हो हो मैं मैं ऐसे आपके लिए काम मैं, आप जैसे हो, उसी तरह से मैं माफी मांगूंगी प्लीज मुझे माफ़ कीजिए जो भी आग, कल के लिए ऐसा हो बोलने लगती है तो ग्रेस बोलते कि, ठीक है जो बेचती मेरा हुआ था ना ऐसे ही तुम कर सकती हो तुम्हारे मेरे ऊपर जो गिरा था उसके बाद पता कितना एम्बरिसमेंट हुआ था बेटी तो बोलती ठीक है अगर तुम आप चाहती हो ना ऐसा हो तो मैं भी वही करूंगी बोल के नीचे जाती है और उसके बाद को पहले ब्यूटी जमीन पर लेट जाती है और वो समसिंग बोलते है कि जो भी चीज़ें मेरे ऊपर गिराओ मेरे ऊपर गिराओ सुमसंग दो चार चीज़ें गिराने लगती है और उसके बाद जो उसके गार्स थे ग्रेस के वो बहुत बड़ा वो एक आ, बहुत बड़ा बर्तन जैसा था वो लेके ब्यूटी के ऊपर गिरा देते हैं और उसके बाद ब्यूटी बोलती कि अब तो आपको से है आप ना प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए मैं नहीं जाती है, मेरी गलती की वजह से कल जो भी हो उसकी वजह से मेरी कंपनी को नुकसान हो प्लीज़ ऐसा वो बोलने लग जाती है ब्यूटी ग्रेस सेटिस्फैक्शन के लिए समझेंगे वीडियो भी, भी बनाने के लिए बोलती है और इसके बाद ग्रेस अब ये देखने के बाद बोलती कि ठीक है अब मैं तुम्हारी जो तुम अपल एप्लोजाज कर रही हो वो एक्सेप्ट कर लूँगी लेकिन कल पूरे मीडिया के सामने जिस तरह से पूरे दुनिया के सामने मैं बैश हुई थी उसी तरह से तुम्हें भी पूरी दुनिया के सामने तुम्हें तो एपोलॉजी मांगनी होगी ताकि मैं एक्सेप्ट कर करूँ अगर रेडी हो तो बोलो वरना तो जाओ बोल देती है ब्यूटी बोलते थे ठीक है ठीक है मैं वो कर दूँगी और उसके बाद ब्यूटी और सोमसिंग बाहर आने वाले थे तभी सो यहाँ पर ऑन और, और टी को दिखाया जाता है एक्चुअली टी और ऑन वही कैमरा जो वीडियो क्लिपिंग था ना वो लेके आए हुए थे ग्रेस से मिलने के लिए और ब्यूटी को देखने के बाद टी पूछते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम ग्रेस से माफ़ी माँगे बगल कैसे जा रहे हो उसने माफ़ी माफ़ दे दिया तभी ब्यूटी बोलती थी मैं पूरा दिन ग्रेस से माफी मांगने लिय बैठी हुई थी और अब मेरा हो गया मैं जा रही हूँ टी उसे रोकता है तभी और बोलते कि मैं अंदर आंटी से मिलती हूँ और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्यूटी बोलती कि ग्रेस ने मुझे बोला है कि कल वो माफ़ी दे देगी पूरे मीडिया के सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी भले ही मेरी गलती ना हो लेकिन मैं मांग रही हूँ माफ़ी तो अब मुझे जाना है बोल के वो जाने वाली थी तभी वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी तो वो टी उसे पकड़ता है और इसके है। है। उसके बाद दोनों समथिंग आटी उसका ख्याल रखते हैं उससे इनहेलर देते हैं उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑन अंदर से खुश होते है। आती है और बोलते कि ने वो वीडियो क्लिप देख लिया यार अब तुम दोनों से मिलना चाहते हैं जल्दी आओ और इसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं अंदर जाने के बाद पहले तो ब्यूटी थैंक यू बोलती है उसकी एपोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए तभी ग्रेस बोल रही थी कि तुम्हारी कोई भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है अगर ऑन ना देती तो और वो पेनड्राइव दिखाती है और उसके बाद ब्यूटी बस है कि ऑन ने ऑन बोलती कि नहीं ये तो टी ने मुझे दिया था मैं टी के थ्रू ले आई थी और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्यूटी को ग्रेस पूछती कि तुम लोग चाहते क्या मुझसे तभी ब्यूटी और टी दोनों ही बात करने लगते हैं तो वो लोग जाते क्या थे ना भले ही इन कंपनी नंबर वन है थाईलैंड पर क्लोदिंग ब्रांड में इनके बाहर भी बहुत बड़े शोरूम है लेकिन ये लोग फेमस नहीं है तो अगर ग्रेस एक आर्टिकल लिखती हूँ इनकी कंपनी के बारे में अच्छा बोल के तो इस सिचुएशन में इनकी कंपनी के लिए बहुत प्रॉफिट होने वाला था और ये सुनने के बाद ग्रेस बोलती कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कहने के लिए बस तुम ही हो जो आई हुई हो हर दिन मेरे साथ आते ये सब कहने के लिए और मैं ऐसे ही कोई भी ब्रांड का ऐसे प्रमोशन नहीं कर सकती बाद में उसकी वजह से मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाए कुछ है तो दिखाओ ऐसा वो बोल देती है और उसके बाद जो डिजाइन दिखा रही थी ब्यूटी वो तो ग्रेस को पसंद आ ही नहीं रहा था वो बोलती कि बहुत ओल्ड फैशन है कुछ नया दिखाओ मैं चाहती हूँ तीन दिनों में अगर तुम दस नए स्केचेस लेके आओगी ना तो मैं तुम्हारे लिए काम करूँगी तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगी ऐसा हो बोल देती है मैं सुनने अगर ब्यूटी तो शॉक हो गई थी तीन दिन में दस स्केच हो भी नया डिजाइन का कैसे होगा लेकिन ग्रेस बोलती कि यही चीज़ जेड ने भी जेट को बोला मैंने तो उसने तो कुछ बोला ही नहीं वो तो ओके हो गया अगर तुम हिम्मत नहीं है तो ना ना हो लेकिन तुम्हें वो करना पड़ेगा ऐसा वो बोल देती है और साथ में बस ब्यूटी को करना था अब छः बजने वाले थे तो ब्यूटी बोलती बोलते कि ठीक है ठीक है मैं कर दूँगी और वहाँ से भागते हुए जाती है और बेचारी को आज आद, तो आधे रास्ते में ही बॉर्ड भरना पड़ता है अब दिखाया जाता है रात के सीन में ऑन आटी बातें कर रहे थे आटी और ऑन और को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उसकी वजह से तक वो लोग बात करने के लिए पहुँच पाए वरना तो हो ही नहीं पाता और ऑन बोल थी कि नहीं नहीं इसमें मेरी कोई हो नहीं है इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऐसा हो बोल रही थी और उसके बाद ब्यूटी के लिए ऑन परेशान थी और वो बोल रही थी कि तीन दिनों में कैसे ब्यूटी इतने सारे डिजाइन करेगी मुझे पता है वो बहुत स्किलफुल है फिर भी टी बोलता है कि हाँ ब्यूटी टैलेंटेड तो है ब्यूटी इन दोनों की बातें सुन रही थी और बहुत ज़्यादा जेरस भी फील कर रही थी और टी बोलता है कि ब्यूटी भले ही स्किलफुल हो लेकिन उसे ना सबक भी मिलनी चाहिए तो अगर उसे नहीं होगा ना तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है उसे करना ही पड़ेगा ऐसा वो बोलती है और बोलता है ब्यूटी को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सीधा ठीक है ऐसे कंधे पे आगे बैठ जाती है और इसके बाद दोनों का ध्यान ब्यूटी की तरफ जाता है टी बोलता है कि ब्यूटी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ब्यूटी का नाम सुनने के बाद औन वॉज लाइक ये इसको भी ब्यूटी क्यों बुला रहा है और वही पूछती है तभी टी बोलता है कि इसकी पूरी हरकत है जिस तरह से ब्यूटी टैंटम थ्रो करती है जिस तरह से वो बहुत एटीट्यूड में रहती है ना बिल्कुल ऐसी है बड़ा इसलिए मैंने इसका नाम ब्यूटी रखा है ये देखो देखो बोल के बस उसका नाम ध्यान तो पूरा ब्यूटी की तरफ ही था ये देखिए ऑन को पूरा लगता है और वो बोलती कि ब्यूटी को पता है क्या तुमने उसका नाम ब्यूटी रखा है मतलब एक चिड़िया का टी बोलता है कि नहीं नहीं और उसे पता चलेगा तो मुझे तू जान से मार डालेगी ब्यूटी बोलती कि ऑब्वियसली मैं मार डालूंगी एक दिन रुको ऐसा हो बोल रही थी टी ब्यूटी को लेके घर पे आता है और उसके बाद उसे बोलता है कि तुम बहुत पतली बन रही हो कुछ खा नहीं खाने रहे हो क्या और उसे खिलाने लगता है और उसे बोलता है कि पता है तुम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो कभी कभी तो लगता है तुम ना वो ब्यूटी के पर्सनल बढ़ो कभी मैं अगर तुम्हारे पीछे पीछे जाऊँगा तो मुझे लगता है तुम ब्यूटी के घर ही जाओगी ऐसे के बाद ब्यूटी बोलती कि हाँ वो मेरा घर है तो नहीं जाऊँगी क्या और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी हरकतें पता है कभी कभी तुम्हारी और ब्यूटी की हरकतें सेम है और उसी तरह से वो मुझे कितना परेशान करती है और मुझे कितना फ़िक्र है उसकी ये बोलने की बात ब्यूटी शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र है नहीं नहीं मेरी कैसे फिक्र होगी तुम्हें तो कंपनी की फ़िक्र है मुझे पता है और टी बोलता है कि पता नहीं तुम कंपनी को पैसे कैसे हैंडल करोगी ब्यूटी बोलती कि मुझे पता नहीं मैं एक महीने के बाद ह्यूमन रहूँगी या फिर बर्ड बन जाऊँगी मुझे तो वो भी पता नहीं पर तुम कमरे के हैंडल करने की बात कर रहे हो और उसके बाद वो उसे ऐसे उसके पहले तो फोर पे किस करता है और उसके बाद उसके सिक्स किस करता है मतलब वो नॉर्मल किस कर देता है ए होने के बाद ब्यूटी तो शॉक हो गई थी एंड या वो रियलाइज़ करती है कि हाँ मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ जब ट्यूब वाचरूम जाता है ना वो सोचती है कि मैं टी से बहुत प्यार करती हूँ लेकिन वो हमेशा जो चिड़िया वाली बर्ड है ना उससे प्यार करेगा मुझसे थोड़ी प्यार करेगा और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक महीने में उस वो मुझे प्यार करने लगे मेरे पास तो वक्त भी नहीं और उसे याद आता है गणेश ने बोला हुआ था उसे किस मिलना चाहिए लेकिन जब वो इंसान होगी उस रूप में और वो जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करेगी जो इंसान उसके लिए उसकी जान से भी ज़्यादा प्यारा हो तो ब्यूटी बोलती कि तुम तो मुझसे नफरत करते हो और ना ही तुम तो मुझे कभी पसंद करोगे मुझे नहीं लगता मैं एक महीने में अपना कोर्स हटा सकती हूँ ऐसा हो बोल के काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है रात को टी सो रहा था और ब्यूटी उसके साइड पे थी और वो ऐसे बोले जा रहे थे कि पता है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा बचपन वाला दोस्त जो फैटी जो चश्मा पहन के चार आग दिखाता था वो बंदा अभी मुझे इतना पसंद आने लगेगा लेकिन तुम थोड़ी मुझे पसंद करोगी तुम्हें तो ऑन पसंद है और अभी भी सपने में तुम ऑन को ही देख रहे होगे ना ऐसा वो बोलते रही थी तभी टी उसे आपने चस्पी रखता है और वो उसे शांत करा रहा था और वो ऐसा ही सो गया था ब्यूटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और इसी तरह वो सो गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह आज ब्यूटी उठने पहले जाना ही भूल गई सो वो ह्यूमन बन चुकी थी तो वो जैसे तैसे अपने आप को छुपा रही थी एपिसोड नंबर ट्वेंटी वन में हम देखेंगे क्या ब्यूटी पकड़ी जाएगी या फिर यहाँ से भागने में कामयाब होने वाली है सो so, चैनल में नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग